हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी न्यूज के बारे में जिसको सुनकर आप एकदम दंग रह जाएंगे, शॉक रह जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि वो न्यूज ही इतनी बड़ी है। SS राजामौली जो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के डायरेक्टर हैं, वो अब प्लान कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म जो कि ट्रायोलॉजी रहेगी और ये बेस्ड होगी महाभारता पे, और महाभारता जो हमारी एपिक सीरीज है और उस पे बेस्ड होगी। और इसमें जो तीन एक्टर जो काम कर रहे हैं वो इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है। पहले तो रजनीकांत है, दूसरे साउथ के स्टार मोहनलाल है और तीसरे बॉलीवुड स्टार है अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार, मोहनलाल और रजनीकांत एक साथ नजर आने वाले हैं, मतलब SS राजामौली की आने वाली फिल्म महाभारता में, जो ट्रिपल फिल्म रहेगी। जैसे बाहुबली 2 पार्ट में बनी थी, वैसे महाभारता 3 पार्ट में बनेगी। तो बहुत बड़ा एपिक प्रोजेक्ट के बारे में खबर मिली है। ये उतना पुख्ता तौर पे अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ ये खबर, लेकिन जैसे ही ये खबर कंफर्म होगी ये इंडिया की या वर्ल्ड ओवर की सबसे बड़ी न्यूज में से शुमार हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि इतने ग्रैंड स्केल पर महाभारत फिल्म बनाई जाए, वो भी 3 पार्ट में। और SS राजामौली अगर फिल्म को बनाए तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बड़ी फिल्म होगी, कितना मेगा स्टार होगा इस फिल्म में। और आप समझ ही गए, मोहनलाल, रजनीकांत, आमिर खान और क्या चाहिए किसी फिल्म में उसे ब्लॉकबस्टर हिट साबित करने के लिए। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा तब तक के लिए, बाय बाय।